चलो मनने सही अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके? ठीक है ना? चीज़ बंदा उस्ताद वसीम आपके सामने हाजिर है। कुछ ऐसी आपसे बात शेयर करनी आज जो कि पहले कभी शायद लाइव नहीं हुई। हमारे एक बुज़ुर्ग बैठे हैं हमारे साथ, मुजफ्फर भाईजान, ठीक है? और जो दोस्त मेरे फेसबुक के आईडी के दोस्त हैं जो मुझे इस वक्त लाइव देख रहे हैं, वो ज़रा एक बार अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करते जाएँ, ठीक है? उसके बाद दो तीन मिनट बाद जो है ना गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊँगा, छोटी बनाऊँगा ताकि दोस्त तसल्ली से उसको देख सकें, ना आधा घंटा ना पौना घंटा ना 20 मिनट। कोशिश करूँगा इससे मुख्तसर करके इस वाक्य को आपके सामने पेश कर दिया जाए। अपनी जो वीडियो आप देख रहे हैं इसको शेयर करते जाएँ, लाइक करते जाएँ और दोस्तों को ज़्यादा इस बात का पता चल सके। आज आपको एक ऐसी बाजी के बारे में बताऊँगा जो कि तकरीबन आज से 50 साल पहले यानी कि 50 साल इस बात को गुजर चुके हुए हैं। ऐसी बाजी लाहौर में उड़ी थी कि एक उस्ताद थे, उस्ताद फिरोज़, जैसे कि आपने मेरे स्टेटस पे पढ़ लिया है, उस्ताद फिरोज़, उस्ताद असलम इच्छा, उस्ताद असलम डिपू वाले, इच्छा वाले, ठीक है, उनके उस्ताद थे वो। और एक बाजी ऐसी उड़ी थी कि उस्ताद फिरोज़ ने बाजियां साथ लगी पहले दिन, बाजी के पहले दिन, अपनी पर पट्टी के पहले दिन, पर पट्टी के बाद पहले दिन, पहली बाजी वाले दिन कबूतर निकाले, तीन बाजियां हार गए और चौथी बाजी वाले दिन जाके उन्होंने अपने मुखालिफ से कहा कि आज आप जोर लगवाएं अपने कबूतरों का, बाजी मैं जीतूंगा। उसके बाद उन्होंने चौका मारा और कैसे वो सारा सिलसिला हुआ वो हमारे एक बुज़ुर्ग हैं, ये बैठे हुए हैं हमारे पीछे देख रहे हैं आप, तकरीबन 75 साल इनकी उम्र है, मुजफ्फर भाई जान इनका नाम है, हमारे बुज़ुर्ग हैं, उस्ताद हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो है आपको बात जो है बताई जाएगी। व्यूवर्स हो गए हैं 10। आप कोशिश करें सारे भाई कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सब दोस्त, और दूसरे दोस्तों को भी शेयर करने का बोलें, ठीक है? और तकरीबन 1-2 मिनट के बाद आपको इनसे जो है मैं जो इन्होंने अपनी आंखों से देखा है वो ये सारा कुछ आपको लाइव बताएंगे, ठीक है? अपनी आंखों से देखा हुआ इन्होंने। जी जी जी, उस्ताद ठेकेदार, ठीक सही है। एक मिनट है जो है पढ़ो, व्यूवर्स बहुत गए 14, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारे बुज़ुर्ग हैं उस्ताद मुजफ्फर साहब, ठीक है? तो ये उस्ताद लाला गुलाम फरीद खान के दोस्त रहे हैं जो कि हमारे उस्ताद थे मेरे, ठीक है, काफ़ी अर्सा उनके शिगिर्द रहे हैं, अब अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। ये मेरे पीर भाई हैं उस्ताद सहील साहब, वो हाथ धोने गए उस्ताद, इधर इधर अपना भी तारफ़ करवा रहा हूँ। हाँ ये सब दोस्त जो है ना, ये सब हम दोस्त हैं, बड़े पुराने ताल्लुक हैं। ये उस्ताद सहील साहब हैं, ये इन बुज़ुर्गों के जो हैं पीछे से रिश्तेदार भी हैं और मेरा इनका ताल्लुक तो तकरीबन 25 साल पुराना है, ठीक है। और ये जो मुजफ्फर भाई हैं, मुजफ्फर साहब हमारे बुज़ुर्ग हैं, ठीक है। ताजी ताजी इधर देखें आप, ये बताएं कि आपकी उम्र जो है इस वक्त 75 साल है, जब आपने बाजी देखी वो वाली उस्ताद फिरोज़ साहब ने जब कबूतर उड़ाए तो आपकी उम्र 15 साल थी, 14-15 साल, और वो कबूतर उस्ताद फिरोज कौन थे पीछे से? फिरोजपुर से थे, जरा ऊंचा थोड़ा सा गुफ्तगू, फिरोजपुर के थे उस्ताद असलम डिपू वाले के, वो दादा उस्ताद, दादा उस्ताद थे, ऐसे ही था, ठीक है। तो
फिर जब वो बाजी उड़ी, वो बाजी किस तरह उड़ी कि आजकल जो कबूतर है लोग पहले उड़ाते हैं, पहले करते हैं, उन उस्ताद के अंदर जो काबिलियत आपसे सुनी है वो आज आपको जो है ना लाइव बताना पड़ेगा, लोगों को पता चले कुछ उस्ताद ऐसे भी होते थे दुनिया में, यानी कि बाजी के पहले दिन कबूतर निकाले हैं, जब से पर पट्टी की है पहले दिन निकाले हैं और उसके बाद तीन बाजियां हारे हैं फिर जाके कबूतर उड़े, जरा अपने जुबान से बताएं आप। पहले दिन कबूतर का गेड़ा मार के मुनसफ आया सारा कुछ होया, दूसरे दिन कबूतर कटे ने दो घंटे उड़े बाजी वाले दिन, दूसरी बाजी वाले दूसरी बाजी तीसरी बाजी फिर कटे ने फिर को दो घंटे गिड़ के बैठे ने तीसरी बाजी जाके उसे कार कह दिता कि ला भी हूँ जोर ला के उड़ा दी, फिर शाम तक माए उन्होंने किस तरह बैठे बारह एक बजे उन्होंने बारह एक बजे अपनी अखा देखे उड़ते बिल्कुल डॉक्टर होता था एक जिले प्यो ने नाजदारे हरम नहीं लिखी। हाँ हाँ अच्छा, यानी के जो उस्ताद फिरोज के मुखालिफ उड़ रहे थे और वो कोई डॉक्टर थे, उनके वालिद साहब ने ताजदारे हरम जो नात है जो कलाम है उनके वालिद साहब ने लिखा था और उनके साथ बाजी थी, गुल बेगम बाग में छत थी और उस्ताद फिरोज जो थे वो इछरा वाली छत से, इछरा पर कोई छत थी वहाँ से वो उड़ा रहे थे कबूतर। और कुछ बातें जो हैं वो ज़रा धीमी आवाज़ में हमारे बुज़ुर्ग बात करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, वो तस्दीक साथ साथ करते जाएंगे। वो उड़े पहले दिन बाजी उड़ी, दो चार चक्कर लगाए कबूतरों ने यानी कि बैठ के, और फिर जब उसके अगले दिन उड़ाए कबूतर दो घंटे उड़े, तीसरी बाजी में तीन घंटे उड़े, इसी तरह वो कबूतरों की तीन बाजियां हार गए। चौथी बाजी वाले दिन उस्ताद फिरोज ने उधर इतला बुझवाई या खुद गए वो, ठीक है, तो उन्होंने जाके कहा कि उस्ताद जी अब आपने कबूतरों को जोर लगवाना है और बाजी मैं जीतूंगा, हुआ उसी तरह जिस तरह उन्होंने कहा। यानी कि बताने का मकसद ये है, कभी भी ऐसी बात किसी ने आजकल के दौर में सोची नहीं कि हम पहले कबूतर बाजी वाले दिन ही निकालेंगे पर पट्टी के बाद। आजकल तो हम करते हैं ना 15-20 दिन महीना पहले कबूतरों को ट्रेनिंग देते हैं, कसे बनाते हैं, उनकी कबूतरबाजी कैसी थी, कुछ लोग जो दना हैं इस वक्त जो पुराने हैं वो सोचते होंगे कि उन्होंने किस तरह किया होगा, अब हर किसी का अपना माइंड है। उन्होंने इसी तरह कबूतर उड़ाए, पहले दिन निकाले, दूसरे दिन निकाले, तीसरे दिन तक वो तीन बाजियाँ हार गए, फिर नीचे से वो चौका मारकर जो है ना वो बाजी जीत गए, जो कि उस्ताद असलम टीपू वाले जो इछरा में उनकी छत है उस्ताद अपना चौधरी सखी पार्टी के साथ, या किसके साथ बहू कौन सी पार्टी, उस्ताद रियाज पार्टी के वो जो है वो कारखार है, यानी कि वो उनकी पार्टी है सारी, ठीक है, उनके वो दादा उस्ताद थे। तो मेरे ख्याल से ये बात उस्ताद असलम टीपू वाले को भी पता है, कभी शायद वो लाइव ऐसा नहीं चला, मैं चाह रहा था कि एक बड़े अच्छी उस्ताद की काबिश थी उनकी और बड़ा अच्छा कारनामा था उनका और बड़ी अच्छी मेहनत होगी उनकी कि उनके क्या माइंड थे और किस तरह वो बाजियां उड़ाते थे अपने कबूतरों की, ठीक है, पहले दिन उड़ाकर सोच अगर बंदा सोचे ना कोई शकीन तो कोई ऐसा कर नहीं सकता, मेरे ख्याल से बड़ा मुश्किल काम है, या ऐसा है कि अब झूठ भी नहीं है, लोग सोचने वाले कहते होंगे ऐसा होगा। अब दो बुजुर्ग हैं 75 साल इनकी उम्र है, असलम डिपो वाले साहब जो हैं वो भी 75 साल उम्र के होंगे, 80 साल, उन्होंने भी अपनी आंखों से देखी होगी बाजी, ठीक है जी। तो दोस्तों बताने का मतलब ये था कि उस्ताद दुनिया में ऐसे भी गुजरे हैं, तो हमारे जैसे जो हैं वो तो अभी मेहनत कर रहे हैं, उस्तादों से सीख रहे हैं, बुजुर्गों से सीख रहे हैं, तो हमारे उस्ताद का भी एक बड़ा नाम था उस्ताद लाला गुलाम फरीद खान साहब, तो मेरा भी उनके साथ बड़ी देर तक प्यार मोहब्बत रहा। तो दोस्तों ऐसी भी बाजियाँ उठती थी, आज ये मेरे दोस्त हैं उस्ताद सुहेल साहब, तो आज इनकी छत से भी 11 कबूतर वाली बाजी उड़ी हुई है। तो उस्ताद जी कोई बैठा है आपका? नहीं जी, पहला ये नीचे आया हुआ है, तो इधर मैं शो करने आया हूँ, तो एंजॉय कर रहे हैं आज, तो आपको ये वीडियो दिखाने का जो मकसद था वो मेरा पूरा हो गया। बड़े अरसे थे इनसे ये बात पूछने का मन था कि लाइव किसी दिन ऐसा प्रोग्राम चलाया जाए
तो ये बात जो है लोगों तक पहुंचे, और ये बिल्कुल हकीकत है। ये बुजुर्गों के साथ हमारा 25-30 साल से ताल्लुक है, और ये कभी झूठ नहीं बोलते। उस्ताद असलम डिपू वाले, उनसे भी मेरी 3-4 दफ़ा मुलाकात हुई है, बात हुई है, मगर कभी उनसे पूछा नहीं। आज मौका ऐसा बना कि ये बाजी के ऊपर आ गए यहाँ पे शो करने के लिए, जाके असलम डिपू वाले को पता। हाँ, जिसको शक हो रहा हो कि ये बात झूठ है, तो असलम डिपू वाले अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्ती दे, बड़े अच्छे प्लेयर हैं, बड़ा अच्छा नाम है उनका, तो उनसे जाके भी आप तस्दीक कर सकते हैं इस बात की। तो बहुत शुक्रिया दोस्तों देखने का, और कोशिश करें अगर ये वीडियो जो लोग देख रहे हैं वो इसके बाद भी शेयर करते रहे, और तमाम दोस्त जो है ये बात सुन सकें। ये हमारे दोस्त बैठे हुए हैं तमाम, तो इसके साथ ही जो है आपसे ज़्यादा चाहेंगे, 11 व्यूवर्स बैठे हुए हैं, क्योंकि 16 थे 11 हो गए, चले ठीक है। तो ये सब दोस्त बैठे हुए हैं आहिस्ता आहिस्ता, मुझे उम्मीद है कि जो लोग देखेंगे इसको और आगे शेयर करेंगे इस बात को। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।